हाई एवरीवान वेलकम बैक टू आवर चैनल तो आज हम बनाने वाले हैं इंडियन स्टाइल देसी मैक्रोनी ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है आप लोग जरूर ट्राई करना तो इसके लिए हम लेंगे पैन में थोड़ा सा ऑयल उसमें अनियन को सोटे कर लेंगे जैसे वो थोड़ी से पिंकिश की शेड में आ जाएंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज क्योंकि मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली है और ये काफ़ी टेस्टी और स्पाइसी बनेगा जैसे ही हमारे अनियंस थोड़े से सोटे हो जाएंगे ग्रीन चिलीज़ के साथ तो हम इसमें डालेंगे तीन से चार टेबल स्पून सोया सॉस मुझे तो सोया सॉस का फ्लेवर भी काफ़ी पसंद आता है आ, आप इसमें कोई भी सॉसेज डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर दो टेबल स्पून शेजवान सॉस डाली थी आप रेड चिली सॉस ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हो एंड उसके बाद थोड़ा सा विनेगर और मैंने यहाँ पर तंदूरी मेयोनीज डाली है आपके लिए ये ऑप्शनल है आप चाहो तो डाल सकते हो और यहाँ पर मैंने दो चम्मच सॉल्ट भी डाला है मेक uh, मेकश्योर sure कि आप ज्यादा सॉल्ट ना डालो क्योंकि सोया सॉस और बाकी सॉसेस में भी काफी सॉल्ट होता है इसके बाद मैक्रोनी को थोड़ा क्रीमी बनाने के लिए मैंने इसमें एक टेबल स्पून नॉर्मल म्योनीस भी डाली थी आपको अगर uh, क्रीमी टेक्स्चर चाहिए तो आप ये डाल सकते हो वरना यू कैन स्किप द म्योनीज पार्ट ऑल्सो आप सारी सॉसेज को दो मिनट के लिए कुक होने देना लो फ्लेम पर ताकि उसमें से रॉनेस चली जाए और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बटर भी डाला था क्योंकि मुझे इस मैक्रोनी को काफी क्रीमी

सबसे ज्यादा पसंद है मतलब व्हाइट सॉस रेड सॉस पेस्टो माकरोनी या फिर इंडियन स्टाइल माकरोनी फनी पार्ट ये रेसिपी मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास के बीच में शूट करी थी